महंगाई से अवाम फाकों पर मजबूर, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख टमाटर की कीमत से लाइल निकले। कहा, शहर कायद में टमाटर 17 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, अवाम कराची सब्जी मंडी जाकर खरीद लें। शहरियों का वजीर खजाना के बयान पर शदीद रद्द अमल, बोले, मालूम नहीं हफीज शेख ने ऐसा बयान क्यों दिया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भी टमाटर 17 रुपए किलो नहीं मिलते। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, कभी हमने सब्जी मंडी की शिकल भी नहीं देखी थी। ये इनके बयान के बाद के 17 रुपए किलो मिल रहे, तो हम लोग यहाँ पर आए, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, लेकिन कोई ऐसा सीन नहीं है। यहाँ से भी महंगा है और वहाँ तो डबल महंगा है हमारे घर के पास। मुझे तो कोई 17 रुपए किलो टमाटर तो दूर, कोई और सब्जी भी 17 रुपए केजी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। कराची में सबसे बड़ी मंडी यही है, इसके अलावा कोई मंडी नहीं है। और 17 रुपए किलो आज 2 महीने से पहले भी 17 रुपए किलो नहीं था। सुना है मीडिया पे बता रहा था 17 रुपए किलो, तो वो पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो हंस रहे थे ना कि कहाँ है, उसने तो पूछ लिया, उसी से भी पूछ लिया कि कहाँ है भाई 17 रुपए किलो टमाटर। पूरा पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं है। 17 रुपए किलो कोई नहीं पड़ रहा है, 180 रुपए किलो, 175 रुपए किलो का टमाटर पड़ता है। आप विजिट क्यों नहीं करते, आप बैठे हो अपनी जगहों में बात करते, तो आप आओ तो आप सर्वे करोगे, जब तो पता चले। पूरे पाकिस्तान में कहीं 17 रुपए किलो टमाटर नहीं है। टमाटर की जो आज 4-5 दिन से जो कीमत चल रही है, 260 भी चलती रही है, 240 भी, 220 भी। लोग इस वक्त फाके कर रहे हैं, फाका खुशी का आलम है हमारे मुल्क के अंदर। लोग खाली टीवी पे बैठ के बोलते हैं, उन्हें इलम नहीं है कि गरीब आवाम किस तरीके से अपना गुजारा कर रही है। खाली वहाँ बैठ के झूठ बोलने का उन्होंने डिप्लोमा लिया हुआ है।